ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 मार्च सोमवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए सोमवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जरूरी काम बनने से आज आपको लाभदायक अवसरों की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है। अच्छी खबर मिलने के भी आज आपके लिए अनेकों योग बन रहे हैं। उच्च पदाधिकारी और बुजुर्ग वर्ग की कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। सभी काम सरलता से संपन्न होते हुए आज आपको प्रतीत होंगे। साथ ही साथ आज आप अपनी कार्य कुशलता के दम पर कई महत्वपूर्ण कार्य बेहतरीन तरीके से पूर्ण करेंगे जिससे आपको काफी राहत महसूस होगी। किसी नजदीकी रिश्तेदार का घर में आगमन और हास प्रयास में समय व्यतीत होना घर के माहौल को काफी खुशनुमा बनाकर रखेगा। अपने परिवार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो नियम और कायदे बनाए हैं वो वाकई में काबिले तारीफ हैं। इससे घर में अनुशासित माहौल रहेगा और बच्चे भी अपनी पढ़ाई की ओर एकाग्रचित रह पाएंगे। आज रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ हटकर नया करने की सोचें। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक थकान दूर होगी और एक नई ऊर्जा का प्रभाव अपने अंदर आप महसूस करेंगे। फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है। दोस्तों, आज का समय आपके लिए कुछ सकारात्मक उपलब्धियां लेकर आ सकता है। अपने महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने में अपनी आज आप पूरी ऊर्जा लगाएं। आपके प्रयास अवश्य ही सफल होंगे। धर्म कर्म के प्रति आस्था रहेगी। दिल की अपेक्षा दिमाग से आज आप निर्णय लें। भावुकता में आकर आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। शेयर मार्केट और रिस्क संबंधित कार्यों में आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां आज उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, पारिवारिक स्थितियां आज तनावपूर्ण हो सकती हैं। परिवार में एक दूसरे के साथ तालमेल का अभाव हो सकता है। अनावश्यक बातों को लेकर विवाद उत्पन्न होने की भी आज संभावना पाई जाती है। किसी तरह के मन में भ्रम उत्पन्न होने से एक दूसरे के साथ कहासुनी हो सकती है। साथ ही साथ बच्चों की किसी नकारात्मक गतिविधि के कारण आप में तनाव और क्रोध जैसी भावना उत्पन्न हो सकती है, परंतु उनकी गलतियों को दोस्ताना पूर्ण तरीके से ठीक करने की आप कोशिश करें। इससे स्थिति में जल्द ही सुधार आ जाएगा। साथ ही साथ आप किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छे से विचार अवश्य कर लें। आपकी भावुकता और उदारता का लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों के साथ अधिक मेल मिलाप भी सिर्फ समय की बर्बादी ही कराएगा। दोस्तों, ध्यान रहे कि किसी भी निर्णय को लेने में बहुत अधिक समय लगाना हाथ में आई हुई उपलब्धियों को दूर कर सकता है। अपनी वाणी और जिद्दी स्वभाव को नियंत्रित रखें। मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलतफहमी आज उत्पन्न हो सकती है।
आपके प्रतिद्वंदी आपके बारे में आज कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से पड़ोसियों दोस्तों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। किसी भी परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से समझाएं। गुस्सा करना समस्याओं को और बढ़ाएगा, इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा संयम रखें। साथ ही साथ दोस्तों, कोई भी कार्य करने से पहले उस पर गंभीरता से सोच विचार करना अति आवश्यक है। कोई बाहरी व्यक्ति जलन की भावना से आपके ऊपर बदनामी या आरोप की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, सावधान रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों आज के दिन आपका जीवन साथी आपको हर काम में आपकी मदद देगा और आपकी हर बात को सुनेगा, जिससे आपके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके प्रेम जीवन में चली आ रही समस्याएं खुद पे खुद आज समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी का सकारात्मक सहयोग आपको आत्मबल और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकी आएंगी। बच्चों की क्रियाकारी संबंधित कोई सूचना मिलने से प्रसन्नता पूर्ण घर में वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी और अधिक गंभीरता आएगी। वैवाहिक संबंध ठीक रहेंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी पुराने मित्र से मिलने से भी सुखद यादें ताजा होंगी। दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। इस दिन का आपको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपकी निगरानी अति आवश्यक है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही से महत्वपूर्ण ऑर्डर आपके हाथ से निकल सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी धैर्य बनाकर रखना आवश्यक है, क्योंकि उनके ऊपर काम का अधिक बोझ रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ नीतियों में परिवर्तन लाने की आपको आवश्यकता है। सहयोगियों और कर्मचारियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। आपकी पीठ पीछे आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता रखना आपके लिए अति आवश्यक है। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य को करने से बचें, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आपके मान सम्मान पर पड़ सकता है। साथ ही साथ किसी अजनबी के साथ कोई भी डील फाइनल आप ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में चली आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत को भी शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि गुस्से और आवेश में आने से परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं। अधिकारियों से भी बातचीत करते समय मानसिक स्थिति सामान्य बना कर रखें। दोस्तों साथ ही साथ आज का दिन मार्केटिंग संबंधित कार्य और बाहरी गतिविधियों में व्यतीत होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपना टारगेट पूरा होने से प्रमोशन मिल सकता है, जिससे उनका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आपको एसिडिटी और गैस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में अपने खान पान में आपको संयम बनाकर रखने की आवश्यकता है। दोस्तों साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों हम आपको जो इस उपाय को बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आपको आज रात यानी सोमवार की रात को आपको यह उपाय करना है। या दोस्तों आपको करना क्या है, या दोस्तों आज रात जब भी आप सोएं तो सोने से पहले आप एक लोटे में दूध या फिर जल भरकर अपने सिरहाने रखें और फिर सो जाएं। और जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप अगली सुबह यानी मंगलवार की सुबह जल्दी उठें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप उस लोटे को भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए पीपल की जड़ में अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, इतना करने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस उपाय को अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।